बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय को मंत्रिमंडल ने बर्खास्त करके तेजस्वी ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में मंत्री राम सूरत राय ने तेजस्वी को आरोप वापस लेने की चेतावनी देते हुए मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही थी, लेकिन मंगलवार को सदन में गर्मा गर्मी के बाद तेजस्वी के तेवर और तल्ख हो गए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर तेजस्वी ने पीसी की। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में शराब बरामद हुई है उसमें मंत्री की भूमिका साफ तौर पर नजर आ रही है। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने सीएम नीतीश को अल्टीमेटम देते हुए कह दिया कि 1 अप्रैल तक अगर सरकार मंत्री को बर्खास्त नहीं करती है तो विपक्ष मामले को लेकर जनता के बीच जाएगा और प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, इनके पुलिस डायरी में सब कुछ है, पुलिस ही कह रही है कि अवैध है तस्करी करना, पिकअप वैन उनका है, परिसर उनका है, तो मुख्यमंत्री बैठे क्यों, उनके भाई को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे भाई? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनके भगनी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? अब इतना एविडेंस आने के बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कुछ कार्रवाई करेंगे, नहीं तो 1 अप्रैल को सीएम हाउस में एक दारू का ठेका खोल लेंगे जिससे मंत्रियों को बचाया जा सके। और तो कोई हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, इनके पुलिस डायरी में हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, सुबह तेजस्वी ने पीसी किया है, उस पीसी में तेजस्वी का क्या कुछ कहना था? देखिए विटंबरा तेजस्वी यादव पहले ही मुद्दा ये बात सदन में बहुत बार उठा चुके हैं, रीतलाल यादव सॉरी माफ करें तेजस्वी बार बार ये कह चुके हैं कि उनके ये जो जमीन है उनके पिताजी के नाम पे है, तो उन्हीं के उनके इस भाई के जो ये स्कूल जो कह रहे हैं कि उनके भाई के नाम पे ये स्कूल है उनके में ही ये शराब पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं कि उनका ये आरोप इस तरीके से उन पे बनता है। और उनका कहना है कि अगर ये उनको अगर सरकार बर्खास्त नहीं करती है तो हम सरकार बर्खास्त नहीं करेगी तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर ही शराब 1 अप्रैल से बिकवानी चाहिए, क्योंकि शराब जब मंत्री के आवास मंत्री के जमीन से मिलता है तो कहीं ना कहीं उन पे यह आरोप लगता है कि वो कहीं ना कहीं शराब में सम्मिलित है। सितम्बरा जी, राजीव, तेजस्वी उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष हमलावर हो रही है राम सूरत राय पर, इस पर राम सूरत राय के अब तक क्या कुछ बयान आया है सामने? देखिए राम सूरत राय सदन में ही वो कह चुके हैं और सबूत भी दे चुके हैं कि मेरे नाम पर वो जमीन नहीं है, मेरे भाई के नाम पर, वो भी लीज पे लिया गया है, वो लीज पर लिया गया है, वो क्या करते हैं वहाँ वहाँ वो एक कोचिंग चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि वो वहाँ क्या करते हैं, और अगर वो उनपे बनता है कि वो ऐसा शराब उन्हें मिला है तो उनको उचित कार्रवाई होनी चाहिए और इससे मेरा कुछ में लेना देना नहीं। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया राजीव। तो आपको बता दें कि तेजस्वी ने राम सूरत राय मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को 1 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है, अगर मुख्यमंत्री उन्हें बर्खास्त नहीं करते हैं तो तेजस्वी सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे।